श्रीलंका हमसे जीती है लेकिन यहाँ तो कुछ करती, 50 रन पे ऑल आउट होगी, बेइज्जती करवा दी हमारी भी उसकी भी। मोहम्मद सिराज जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं, यकीन मानो 2 बोल्ड ऐसे गंदे मारे ना, श्रीलंका बिचारी रो रही होगी अभी, पता है आपको। मैच देखते हैं अपना पूरा, क्या नाम है, स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, काम छोड़कर, धंधा छोड़कर टाइम देंगे मैच देखते हैं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये रियल है, शॉकिंग है, शॉक है, सीरियल है, थोड़ा काटना ही मुझे, थोड़ा सा यार काटो मुझे जरा। हाँ नहीं, नींद में नहीं हूँ मैं, नींद में नहीं हूँ, बाकी हकीकत है, मतलब 50 में ऑल आउट क्या सेटअप हो गया। Who said money can't buy happiness? Buy happiness. अच्छा आप, ये पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। बाबू भैया देख रहे हो, समझ गए ना आप लोग। अब देखिए इंडिया को देखें, टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पे, T20 में नंबर 1 रैंकिंग पे, वो खुद को प्रूव भी करता है हर मैच में। क्या बात है, आज के मैच में पता लग गया है कि सिर्फ इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने आज जो जैसी बॉलिंग की है ना, तो उन्होंने पाकिस्तान के पीछे छोड़ दिया भाई आज बॉलिंग में। अच्छा मतलब भाई ने चश्मा सब इस वजह से पहना है कि इतनी जल्दी ऑल आउट कैसे हो गई। हाँ मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, मैंने कहा शायद मैं अभी खाद देख रहा हूँ, इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया कि कुछ देख ना पाऊँ रात को। वेल डन इंडिया, लेकिन श्रीलंका ने हमारे पूरे खाब पे पानी फेर दिया। मैंने सुना है कि आमिर से रोहित की टांगे कांपती हैं, विराट की टांगे कांपती हैं, इस बात पे कितना सच है, हकीकत बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। तो भाई काफी टाइम से एशिया कप चल रहा था यार, हमने देखा कि क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा था एशिया कप को, बड़ी इस वक्त एक्साइटमेंट हो रही थी कि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, एशिया की टीमें हमारे मुल्क में आएंगी खेलेंगी, लेकिन क्या हुआ सेटअप के यार, कुछ टीमें ने खेला कुछ ने नहीं खेला ना, तो भाई वो अख्तितम हो चुका है और अख्तितम इतने एक्साइटिंग और शॉकिंग तरीके से हुआ ना, कुछ पता भी नहीं चला। मतलब आज इंडिया ने जो है एशिया कप फाइनल जीत लिया है और ये शायद हिस्टोरिकल हो, जिस तरह वो जीता है ना, ऑल आउट कर दिए श्रीलंका को सिर्फ 50 रन्स में। तो भाई हमारे साथ यहाँ पर क्रिकेट लवर मौजूद है, क्रिकेट फैंस मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे इन चीज़ों के बारे में कि भाई उन्होंने देखा मैच और क्या फील किया, इंडिया की जो बॉलिंग थी उस तबाह उन बॉलिंग के सामने उनकी क्या रिएक्शन थे। तो चलिए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवामों की तरफ और उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया। तो आइए हमारे साथ क्रिकेट लवर मौजूद है, आइए जरा उनसे जानते हैं इन चीजों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि आज एशिया कप का फाइनल हो चुका है 2023 का ना, तो मतलब क्या सोचा था, ये एशिया कप कौन जीतेगा, आपकी मतलब फर्स्ट चॉइस कौन थी? यार मेरी फर्स्ट चॉइस थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जो है ये मैच विन करेगा, बट इंडिया हैज प्लेड वेरी वेल एंड वो जो उसने मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग कराई है वो बहुत ही आला थी। आज के मैच में पता लग गया है कि सिर्फ इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने आज जो जैसी बॉलिंग की है ना, तो उन्होंने पाकिस्तान के पीछे छोड़ दिया भाई आज बॉलिंग में फाइनल में। यार मतलब ये एक हिस्ट्री बनी है ना, मतलब एक रिकॉर्ड बना है, आपने फाइनल में किसी टीम को 50 रन पे ऑल आउट कर दिया है। इंडिया, आपको पता है कि श्रीलंका में ये मैच हो रहा था, श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अवाम के सामने, उनके सामने उनकी टीम को 50 पे ऑल आउट कर दिया। यार मतलब ये रियल है, शॉकिंग है, शॉक है, रियल है, थोड़ा काटना ही मुझे, थोड़ा सा यार काटो मुझे जरा। हाँ नहीं, नींद में नहीं हूँ मैं, नींद में नहीं हूँ, बाकी हकीकत है, मतलब 50 में ऑल आउट क्या सेटअप हो गया। यार आप यकीन करोगे, मैं 4 बजे खाना खा रहा था और मैंने देखा कि इनके 7 रन पे एक आउट है। मैंने 4 बजे खाना खाया, मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, मैं वहाँ घर से निकला हूँ, मैं यहाँ पहुँचा हूँ खाली 2 किलोमीटर के रास्ते पे, ठीक है, मुझे पता लगे कि 7 आउट हो गए, कितने पे, 39 पे। अबे मैंने कहा ये क्या हो, ये कब हुआ गया। फिर मुझे पता लगा कि मोहम्मद सिराज ने 16 बॉलों में 6 विकेट उड़ा दिए भाई, 16 बॉलों में। यार वेल प्लेड सिराज। यार अब हम आते थोड़ी पाकिस्तान की टीम की तरफ, बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाह रहे हो, बड़ी कैप्टनसी पे लोग बोले यार बाबर को हटाओ हटाओ वर्ल्ड कप पे, उसके बारे में क्या कहोगे? यार मैं सच बताऊं तो उसकी कैप्टनसी पे मुझे थोड़ा सा भी डाउट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो सरफराज अहमद से 100% अच्छा कैप्टन है। अच्छा देख ले, बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप पिछले रिकॉर्ड देखें, मतलब पाकिस्तान आती थी घिस फिट के भाई ये टीम जीतेगी, फिर जाके ये पाकिस्तान पहुंचेगी फाइनल में, ऐसे पॉइंट्स इनके जो है पॉइंट्स टेबल बहुत खराब होते थे। जब से बाबर आजम आया तकरीबन हम मर मर के नहीं पहुंच रहे फाइनल में या सेमीफाइनल में,
जा रहे तो सर उठा के जा रहे हैं। अरे जा तो रहे, सेमीफाइनल में जा रहे, फाइनल में जा रहे, जीत नहीं रहे ना, कप नहीं लेकर आ रहे यार। इस ये क्या सेटअप है? में जो ना पूरे प्लेयर्स की होती कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो है ना ये बन गए भाई नंबर वन रैंकिंग में, पड़ गए ओडीआई में, फिर इनमें थोड़ा सा आ गया अकड़ वकड़ आ गई ये वो कि भाई हम तो नंबर वन है वगैरह वगैरह ये वो, तो मेरे ख्याल से ये चीजें में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इंडिया को देखें, टेस्ट में नंबर वन रैंकिंग पे, टी20 में नंबर वन रैंकिंग पे, वो खुद को प्रूव भी करता है हर मैच में। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही इनमें भी स्पिरिट होनी चाहिए इस चीज की। तो इंडिया की आवाम जो देख रही है हमें, उनके लिए कोई मैसेज देना चाह रही हूँ एशिया कप फाइनल जीतने के बाद? यार मैं तो ये कहूंगा कि हु सेड मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बाय हैप्पीनेस। अच्छा ये पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मतलब पैसा क्यों, क्या हुआ, पैसे की तरफ क्यों है? यार देखें वो एक डिफॉल्टिंग कंट्री है तो आई थिंक उन्हें ज्यादा नीड थी। अच्छा आप कहना चाह रहे हो कि इंडिया ने पैसे दिए हैं? यार आप ये देखें श्रीलंका की जो बैटिंग लाइनअप थी वो यार 50 पे ऑल आउट होने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। एटलीस्ट वो यार 100-150 तो मारते यार कम से कम यार। हाँ वो तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि यार के या वो वन साइडेड जीत गई है, उनकी पूरी इसमें हार्ड वर्क इंडिया की, बिल्कुल ही मैं ये नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाबू भैया देख रहे हो, समझ गए ना आप लोग। एक और क्रिकेट लवर मौजूद हैं। जी सर आपका नाम? मेरा नाम उसामा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उसामा भाई, इंडिया जो है ना एशिया कप फाइनल जीत चुकी है, क्या कहना चाह रहे हो? देखो ब्रो मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया ये एशिया कप जो इस ट्रॉफी है ये डिजर्व करती है, क्योंकि उन्होंने उसने मेहनत किया है। हमारे पाकिस्तानी इन्होंने भी मेहनत की थी लेकिन श्रीलंका के साथ वो हार चुके हैं। अब देखो श्रीलंका ने भी मेहनत की, हमें डिबेट किया, लेकिन वो इंडिया के साथ आके खेली लेकिन इंडिया के साथ उसने मेहनत नहीं की। अब जो इंडिया है उसने मेहनत की, वो ट्रॉफी लेके गई है वो, तो ये डिजर्व करती है ट्रॉफी। यार मतलब हमने उम्मीद नहीं लगाई थी कि यार इतना एंड जो है ना ऐसा आएगा कि 50 में श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो जाएगी, ये क्या हो गया? कि बस उन्होंने मेहनत की वो ट्रॉफी ले गए, अब क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पाकिस्तान इस काबिल तो है नहीं। जो मेहनत करें, मेहनत जो मेहनत करेगा देखो उसे ही मिलेगी। यार भाई देखो हमारी पाकिस्तान की टीम ओडीआई में पहले नंबर पर, बाबर आजम पहले नंबर पर, लेकिन मतलब फिर भी हम तो हमने सोचा था हम फाइनल जीतेंगे, कप लेकर आएंगे पाकिस्तान में, हम तो यार फाइनल में नहीं गए यार। देखो भाई बाबर जैसे कि हमारे बाबर आजम है, मैं मानता हूँ वो हमारे कैप्टन है, मतलब अच्छे कप्तान है, लेकिन जब भी उन्होंने कप्तानी की है अच्छी की है, लेकिन हम फाइनल तक पहुँचते हार जाते हैं। अब पिछले एशियंस में देखो हम श्रीलंका से फाइनल हार गए, यार ये कोई मजाक है? हम मैच देखते हैं अपना पूरा, क्या नाम है, स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, काम छोड़कर, धंधा छोड़कर टाइम देंगे मैच देखते हैं? ऐसे थोड़ी होता है भाई। लेकिन ये कि थोड़ी मेहनत करें और अच्छा इम्प्रूवमेंट करें ताकि हम सारे यार दोस्त बैठे हमें कुछ सिला तो मिले। साला 500 रुपये मेरा इधर चट हो गया उसके नौकरी के चक्कर में, श्रीलंका के साथ मैच देखा मैंने, गरीब बंदा हूँ मैं, इधर 3 वक्त की रोटी खाता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है यार भाई, यार जुल्म हो गया भाई मेरे साथ। दर्द महसूस हो रहा है मुझे यहाँ तक भाई की आवाज में, मतलब आपका टाइम वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट हो गया यार, अभी बस दिल से बुरा लगता है, लेकिन क्या करूँ, पाकिस्तान है, दिल से मोहब्बत है, फिर भी मोहब्बत है, क्या पाकिस्तान है ना, हम भी पाकिस्तानी है, वो भी मुसलमान है, मोहब्बत एक दिल में होती है, लेकिन गुस्सा है यार मेरे भाई, 500 रुपए की दिहाड़ी चटकी है यार मैंने, ऐसे थोड़ी है। बात अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इंडिया की तो हमने अक्सर सुना है कि भाई बैटिंग जबरदस्त है, बैटिंग जबरदस्त है, आज उनकी बॉलिंग ने शॉक कर दिया, मतलब इतनी जबरदस्त बॉलिंग यार। इंडिया की बॉलिंग है माशाल्लाह से, मोहम्मद सिराज जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं, यकीन मानो 2 बोल्ड ऐसे गंदे मारे ना श्रीलंका बेचारी रो रही होगी अभी, पता है आपको, लेकिन क्या करें, अफसोस की बात है, श्रीलंका हमसे जीती है लेकिन यहाँ तो कुछ करती, 50 रन पे ऑल आउट होगी, बेइज्जती करवा दी हमारी भी उसकी भी, यकीन मानो मैंने कहा आज मैं जाड़ी चट करके श्रीलंका का मैच देखूंगा, मैंने उसके साथ हूँ, लेकिन क्या 50 पे जब मैंने देखा 39 पे 7 आउट है मेरे, हलक में आ गया, मैंने कहा ये तो गए यार, सोचो यार हमारे साथ ये क्या बुराई, हम जिस चीज को सपोर्ट करते हैं वो चीज हार जाती है, क्या बदनसीबी चल रही है? असल में बुराई वो नहीं हमारे साथ, हम खुद बुराई हैं भाई, हम खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो वो कहां से आगे बढ़ेंगे, मेन मसला ये। तो भाई अब इंडिया फाइनल जीत चुकी है, लोग घूम रहे हैं भाई, चर्चे हो रहे हैं कि इंडिया फाइनल जीती है, इंडिया फाइनल जीती है, पाकिस्तान में तो भाई ट्रेंड चल रहा है ना लोग की जबान में। तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि भाई जान आपने रात में चश्मा पहना हुआ है, खैरियत? भाई बात यह कि हम अंधे हो गए हैं, जैसे श्रीलंका को इंडिया ने किया है, तो इसी वजह से मैंने चश्मा पहन लिया अभी, कि ऐसे कौन खेलता है यार। अच्छा मतलब भाई ने चश्मा सब इस वजह से पहना है कि इतनी जल्दी ऑल आउट कैसे हो गई? हाँ मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, मैंने कहा शायद मैं अभी खाब देख रहा हूँ, इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया कि कुछ देख ना पाऊँ रात को, अभी तो अंधेरा है सब। भाई जान श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई है 50 स्कोर पे, ओनली 50, मतलब क्या है यार ये, आपने किसको सपोर्ट कर रहे थे आप? यार मैं तो श्रीलंका को कर रहा था,
फिर ये क्या हो गया आपके साथ? हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया सारा। तुम्हारी मेहनत मतलब कौन सी मेहनत की आपने दोस्त? हमने तो मेहनत की थी श्रीलंका को पूरी पूरी जितवाने में। सही है, हम हारे तो वो पहुंचे ना, ये बात पॉइंट। अगर हम जीते तो फिर पाकिस्तान हारता। तो मतलब अब दिल से क्या दुआएं निकल रही है, क्या बात निकल रही है? बस यार इंडिया ने अच्छी बैटिंग की है, मेहनत की है तो वेल डन इंडिया, लेकिन श्रीलंका ने हमारे पूरे खाब पे पानी फेर दिया। ओए ओए, मतलब काफी दुख हो रहा है। काफी दुख हो रहा है, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया रात को कि कहीं आपकी आंखों के आंसू लोग ना देख ले। ना, लोग ना देख ले, हमारी मेरी आंखें लाल है पूरी, देख ले आप। ओए भाई, वाकई में आंखें लाल हो रही है। मतलब आप क्या रोए थे जब हारी थी श्रीलंका? नहीं रोए तो नहीं है, लेकिन फिर जो गम निकलता है वो आंसू निकलते हैं, वो तो अलग बात है उसकी। मतलब काफी नाजुक सूरत आ रही है आपके साथ। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि बाबर आजम को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि यार जो है ना फाइनल में इतनी बुरी तरह से हम नहीं जा सके, हमारा अपना एशिया कप था, हम ऐसे लग रहा था कि भाई पाकिस्तान एशिया कप जीत कर आएगी, फाइनल जीत कर आएगी। हम तो फाइनल जीतना तो दूर की बात है यार, हम तो फाइनल में ही नहीं आए। क्या है, क्या है यार? यार ये कि जब पूरी टीम मिलके खेलती है तो फिर परफॉर्मेंस आती है। अब ये देख लें कि बाबर आजम ऑफिसली जो अच्छे मैच हैं, बड़े मैच हैं, उसमें चलते ही नहीं। नेदरलैंड को मार रहे हैं, अफगानिस्तान को मार रहे हैं, जो बड़ी टीम है इंडिया जैसे, वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब बड़े परफॉर्मेंस नहीं करेंगे जो हमारे ओपनर हैं, फिर पीछे क्या बचते? पूरा अभी हर मैच बोला तो नीचे तो आके दे सकते ना आपको, कभी बॉलिंग फ्लॉप हो जाती है तो फिर बस। यार हम सोचते थे कि यार इंडिया की बैटिंग फर्स्ट क्लास है, A1 है, बॉलिंग बेकार है, मार देंगे छक्के, मार देंगे 400 स्कोर बना देंगे, लेकिन इंडिया ने तो बॉलिंग में भी जादू कर दिया यार इस बार एशिया कप में। बिल्कुल, ये तो है कि हमारी जो तकरीबन जो परफॉर्मेंस है वो नाकाम रही। एक प्लेयर भी चल जाता है तो लोग बंदा 300 बनाता है, फिर आगे पीछे हारता है, फिर दुख नहीं होता। तो अभी आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, ठीक है, हमारे काफी बॉलर इंजर्ड हैं, क्या चक्कर है ये? भी देखें, मैं तो कहता हूँ कि मोहम्मद आमिर को वापस बुलाना चाहिए। तो भाई मोहम्मद आमिर कैसे आएगा, उसने तो रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन आ सकते हैं, उसने बोला है कि मैं भी अगर मुझे खिलाएं तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन कोशिश करें वो आ सकते हैं। यार ऐसे नहीं है कि नामुमकिन तो नहीं है ना भाई। ये बात भी, अब किसी की आमिर का ये क्या चक्कर है कि यार मुझे बुलाए हम आए, वो तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं ना यार, तो उसको खुद को सोचना चाहिए, उसको बुलाओ, पैर पकड़े उसके हम जाके। नहीं नहीं, अभी उसने ऐलान किया कि अगर मुझे खिलाओगे तो मैं खेलूंगा। अभी ये उसने के दरख्वास्त देनी चाहिए उसको, ये तो है। देखो उसकी आवाम में ना, उसकी फैन कितनी है पाकिस्तान में, तो उसको चाहिए कि यार फैन के लिए मैं खुद जाके थोड़ा सा झुक जाऊं, बिल्कुल बोलूं कि यार अब मुझे थोड़ा सा मौका दो। आपको ये नहीं लग रहा? हाँ ये तो है कि वो उसको कुछ करना चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा तो किसी भी थोड़ी किसी के पांव पकड़ेगी। मैंने सुना पास प्लेयर ही प्लेयर है। मैंने सुना है कि आमिर से रोहित की टांगे कांपती हैं, विराट की टांगे कांपती है, इस बात पे कितना सच है, हकीकत बताएं? ये सच है, लेकिन ये कि वो बड़े प्लेयर हैं जो मानने वाली बात है। यहाँ एक दो मैच में आउट हो जाते हैं वो अलग बात है, क्योंकि विराट कोहली ने भी बताया है कि भाई मुझे आगे से बॉल वाइड नजर आती है, मुझे ये पता नहीं है कि कौन बॉलर करवा रहा है या नहीं करवा रहा। अच्छा हाँ, तो जब भी वो कहते हैं मैं आउट हुआ, मैं अपनी गलती पे आउट होता हूँ, अपनी गलती पे। तो भाई ये आज के हमारे सीन से हमने आपको भी दिखाया, पाकिस्तानी आवाम जो है उनसे पूछा कि भाई इंडिया फाइनल में जीती है, क्या फीलिंग से, क्या एक्सपेक्टेशन सी, एशिया कप तो ख़त्म हो चुका है यार, मतलब 2023 का एशिया कप हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम ODI में नंबर वन थे, हमारी जो बैटिंग बाबर आजम नंबर वन थे, हमने ये सोचा था कि यार इस बार जो है हम जीत कर आएंगे और कप लेकर आएंगे, लेकिन हम जो है फाइनल तक नहीं पहुँचे, काफ़ी हमारे बॉलर इंजर्ड हो चुके हैं, अब परेशानी हो रही है भाई वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए क्या सेटअप है। तो ये हमारी वीडियो थी, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप हमारे इंटरटेनमेंट से जुड़े रहो। हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, बस आपके प्यार और सपोर्ट की नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।